तो बेसिकली मुंजा ये स्टोरी जो है ना वो महाराष्ट्र के फोकलोर की स्टोरी है और इट्स अ वेरी वेरी फेमस फोकलोर क्योंकि महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में आ, ये फोकलोर जनरेशन से बताई जाती है आ, पीपल के पेड़ पे रहने वाला मुंजा ये वहाँ की कंसेप्ट है और वो मैं बचपन में था तो बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ मैं जब स्कूल में था तभी मैं छुट्टियों में कोकण जाता था और वहाँ पे बहुत इंट्रिक्ड होता था कि यार ये कौन सी स्टोरी है कौन मुंजा है कौन से पेड़ पे रहता है तो डर भी लगता था कि वहाँ ना नहीं चाहिए आ, तो जैसी फिल्में अभी लास्ट कुछ सालों में बन रही है कि जो फोकलोर पे लेजेंड्स पे आ, कंतरा है या तुम्बाड़ है ऐसी फिल्में बन रही है मलयालम में भी काफी फिल्में बन रही है जो अच्छी चल रही है तो मुझे हमेशा लगता था कि अपने महाराष्ट्र के फोकलोर लोर को, को कोई क्यों नहीं बना रहा आ, और जब भी दिनेश विजैन ने अपने मैडॉक की कंपनी थ्रू ये इच्छा जताई कि उनको भी कुछ इंडियन फोकलोर में टैप करना है तो ये मुंजा बहुत ऑर्गेनिकली एक आइडिया आई कि चलो इस पर बनाते हैं उनके पास एक स्क्रिप्ट थी जो योगेश चांदेकर ने लिखी थी बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी थी मुंजा को लेके तो मैंने वही मेरी जो बचपन की इच्छा ही थी कि मुंजा पे कुछ करने की तो मैंने फिर हाँ कर दी फिल्म की स्क्रिप्ट लेके उस पर हमने काम करके फिल्म बनाई मैडोक ने पहले जो ती, दो तीन फिल्म तीन चार फिल्में की है उस उन फिल्मों का इनफैक्ट एडवांटेज ही था हमें क्योंकि मुझे पता था कि जब ये फिल्म आएगी ना तभी लोग उसको जो देखते हैं ना फिल्म की तरफ ए, एक परसेप्शन होता है वो परसेप्शन बहुत सही बैठेगा क्वालिटी वाइज मैच का मैचअप करना बहुत जरूरी था कि हमें पता था कि हमें uh, हमारे फिल्म में से जो क्वालिटी एक्सपेक्ट लोग करेंगे वो इन लेवल की क्वालिटी करेंगे तो स्क्रिप्ट जब भी अच्छी थी तभी हमें लगा था कि इसको एग्जीक्यूट अगर हम सही ढंग से करेंगे तो वो क्वालिटी की फिल्म बनेगी बिकॉज स्क्रिप्ट पे ही हमारा कॉन्फिडेंस था कि हम हंस रहे थे हमें डर भी लगता था वो स्क्रिप्ट रीडिंग के वक्त भी वी रियलाइज तो so, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑलवेज अ चैलेंज कोई भी फिल्म बनाओ आपको अच्छी क्वालिटी देनी है कभी कभी अच्छा प्लेटफॉर्म अगर मिले ना जो मुंजा को आई एम श्योर मैडो का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो उसका फ़ायदा ही हुआ है हमें